नौ टीवी आप पहुंचा है सीरियल मुस्कान के मेकअप रूम में, जहां शो की लीड मुस्कान यानी येशा रुघानी हो रही है अपने शॉट के लिए रेडी। अपने एक्टिंग से ऑडियंस को दीवाना बनाने वाली येशा, कैसे बनती है मुस्कान और कैसे होता है येशा का ट्रांसफॉर्मेशन, ये आज हम आपको यू मी और टीवी में दिखाएंगे। यू मी और टीवी, वेलकम टू येशाज मेकअप रूम। यहाँ पे मैं रेडी होती हूँ, मुस्कान बनती हूँ येशा से। तो आज आप ये जर्नी देखो कि कैसे येशा मुस्कान बनती है। वैसे मुस्कान जो कॉलेज जाती है वो और घर पे नॉर्मली रहती है, वो वाली मुस्कान जल्दी रेडी हो जाती है, पर आज कुछ स्पेशल है। आज कोई स्पेशल ओकेजन के लिए मुस्कान रेडी हो रही है। उसका बर्थडे है और हैप्पी वाला बर्थडे नहीं है, कुछ बहुत ही बड़ा तामझाम होने वाला है। तो रेडी तो हैप्पीली हो रही है, पर आगे क्या होगा वो आप देखना। बहुत ही अनहैप्पी सिचुएशन है। येशा, ओवरऑल रेडी होने में आपको कितना टाइम लगता है? आफ्टर ऑल मेकअप, हेयर स्टाइल एंड कॉस्ट्यूम के साथ रेडी होना टाइम कंज्यूमिंग तो होगा ही ना? लुक पे डिपेंड करता है। अगर बालों में आज हम काफ़ी कुछ कर रहे हैं, उसको हम ट्री टोंग कर रहे हैं, तो उसमें टाइम लगता है, क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा लंबे हैं और बहुत वॉल्यूम भी अब थोड़ा बहुत, काफ़ी पहले तो बहुत था, अब थोड़ा बहुत बचा है वॉल्यूम, तो टाइम लग जाता है उसको। और मेकअप भी जो रेगुलर नॉर्मल मेकअप होता है हमारा, उसमें इतना टाइम नहीं लगता, पर इसमें थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लगता है। अगर मेकअप की बात करें येशा, तो मेकअप का प्रोसेस कहाँ से शुरू होता है? बेसिकली स्टार्ट करती हूँ मेरे शनेल फाउंडेशन से, क्योंकि वो बहुत ही सूट करता है मुझे और मेरा फेवरेट है, लाइट वेट है और फिर भी स्टे करता है लॉन्ग। तो फर्स्ट प्रेपो प्राइम स्टार्ट होता है मेरा बेसिक जो क्लिनिक का मॉइस्चराइजर है उससे, एंड आफ्टर दैट I apply my open pore serum from Benefit, which is also very nice. और मेरी eyes ज़्यादातर swollen रहती है, because बहुत रोना धोना होता है और मेरे को बिल्कुल सूट नहीं करता। मैं किसी भी तरह से किसी भी फॉर्म में रहूँ, naturally ये वो, फिर भी मेरी eyes swell up हो जाती है और नींद बहुत कम मिलती है, तो मैं puff eye attack लगाती हूँ। तो ये basic है, इसके बाद start होता है मेरा foundation. ओह, तो ये तो हुई बेसिक मेकअप की बात। अब जरा ये बताइए कि बेसिक मेकअप के बाद आपको और कितना हैवी मेकअप कैरी करना होता है? तो जैसे कि मैंने कहा, ये मैं शनेल वाला फाउंडेशन यूज करती हूँ। उसके बाद सेटिंग पाउडर है हमारा, वो हम यूज करते हैं। उसके बीच में कॉन्टोरिंग जाता है, काफी कुछ जाता है। वो इतनी नॉलेज मुझे नहीं है, वरना तो मैं ही मेकअप आर्टिस्ट हो जाती। मेकअप अगर बिना ब्लशर के हो तो काफी अधूरा अधूरा लगता है, क्यों? सही कहा ना हमने। ये है हमारा ब्लश ऑन जो हम यूज करते हैं, वो बॉबी का है, वो मेरा फेवरेट है अगेन। और जो आप गुलाबी चेहरा देखते हो, चीक्स देखते हो, ये नेचुरली भी होता है वैसे, पर बेस के बाद नहीं होता ना, तो हम ये यूज करते हैं। ये शाम जरा ये भी बता दीजिए कि मेकअप में आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है? मेकअप में मेरी फेवरेट चीज जो है वो है मस्कारा, मुझे बहुत पसंद है लैशेस। और ये मेरा वॉल्यूमिनाइजर मस्कारा है, अगेन ये मेरा फेवरेट वाला है, और मुझे बेनिफिट का भी बहुत पसंद है। येशा, अभी तो आपको कॉस्ट्यूम भी पहनना है जो काफी खूबसूरत है। अपने खूबसूरत से आउटफिट के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? ओ ग्रीन, ग्रीन इज ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट कलर्स, तो ग्रीन कलर तो मुझे बहुत पसंद है। पर ये जो लहंगा है वो आप एक बार उठा के देखना, इतना लाइट वेट नहीं है जितना कि वो दिखता है, अंदर कैन कैन ये वो बहुत कुछ होता है। अच्छा, जाते जाते ये शव फैंस को मेकअप के क्या टिप्स देना चाहेंगी? एकदम आराम आराम से करते हैं, कि मेरे एक एक बाल को संभालते हैं, कभी पिन में भी ऐसे फंस गए तो ऐसे नहीं कि निकाल दिया, नॉट्स भी एकदम प्यार प्यार से निकालते हैं। तो थैंक यू दीदी। दीदी आप बताओ, आप मेरे बाल को बहुत ध्यान प्यार से रखते हो ना, और हमें कभी कभी ये सब करना पड़ता है, तो हम लोग भी प्रेफर नहीं करते कि हम बाल को ज्यादा जलाए, और दीदी भी ऐसी हेयर स्टाइल ही चूज करती है जिसमें मेरे बाल बच जाए। पर कभी कभी हम लोग, कभी कभी चलता है ना चीट डे, जैसे डाइट में होता है वैसे हमारे बालों का भी कभी कभी चीट डे हो जाता है, तो आज वो चीट डे है। पर इसमें भी बहुत संभाल संभाल के करती है दीदी, और कम से कम प्रोडक्ट्स यूज करती है, उनकी मेहनत बढ़ जाती है ये करने में, पर फिर भी वो कम प्रोडक्ट्स यूज करती है ताकि मेरे बालों को नुकसान ना हो। थैंक यू।
वेल येशा विवेश की आपका मुस्कान वाला लुक आपके फैंस के दिलों पर छा जाए और आप यूं ही फैंस को एंटरटेन करती रहें। मुंबई से अपर्णा द्विवेदी की रिपोर्ट E24।